आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शुक्रवार को दीवानी न्यायालय गेट के पास हुई युवक की हत्या के बाद एडीजी जोन अखिल कुमार ने जिला जज के साथ न्यायालय परिसर सहित सभी गेटों का किया निरीक्षण। न्यायालय की सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। तीन जनवरी की रात्रि में पुलिस पर पथराव फायरिंग कर अन्य जनपदों में दहशत पैदा करने वाले गो तस्कर गिरोह के 6 अभियुक्तों को गिलरिया पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस किया बरामद। एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के पदाधिकारियों ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। उनके दिखाए गए मार्गों पर चलने का लिया संकल्प। गैंगस्टर एक्ट में वांछित व 25,000 के इनामी अभियुक्त शेर मोहम्मद को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस किया बरामद। एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर चित्रगुप्त मंदिर सभा के पदाधिकारियों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली में इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाए जाने की घोषणा पर प्रधानमंत्री मोदी को दिया धन्यवाद। हिंदू युवा वाहिनी महानगर के आईटी सेल के कार्यशाला का महानगर संयोजक व महानगर अध्यक्ष ने किया उद्घाटन। कहा, सोशल मीडिया और आईटी सेल पूरी तरह करेगा अपने दायित्वों का निर्वहन, उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाएगा जनता के बीच। गोरखपुर में रविवार को पाए गए 231 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में घट रही है एक्टिव केस की संख्या। अब एक्टिव केस की संख्या हुई 2,127। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर दी उन्हें श्रद्धांजलि। उनके दिखाए गए मार्गों पर चलने का लिया संकल्प। जनपद के कुल 120 परीक्षा केंद्रों पर 61,230 परीक्षार्थियों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दी यूपी टीईटी की परीक्षा। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में सकुशल संपन्न हुई परीक्षा। परीक्षार्थियों ने कहा, पेपर देने में नहीं आई किसी प्रकार की दिक्कत। और 125 प्रकार के पुष्प के पत्तों से मिलाकर बने माला से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा पर विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति व हिंदू चेतना मंच ने माल्यार्पण तथा पुष्प अर्पित कर अर्पित किया श्रद्धा सुमन। लिया उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प।